हाय एवरीवन, आज हम चटपटी भेलपूरी की रेसिपी लेके आई जो बहुत ही आसान है बनाना और खाने में बहुत ही टेस्टी है। देखिए कितनी बढ़िया बनी है, देखने में जितना सुंदर है खाने में उतना ही टेस्टी है। अगर होली पे तला भुना खा के बोर हो गए, कुछ चटपटा खाना हो तो इस भेलपूरी को जरूर ट्राई करिएगा। 5 मिनट में रेडी कर सकते हैं बना के, बहुत ही कम मेहनत लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। चलिए देर की इस बात की, इस चटपटी भेलपूरी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लिया है, एक बारीक कटी हुई प्याज, एक टमाटर, एक बॉयल आलू इस तरह से काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, वो डाल देंगे। 2 हरी मिर्च, 1 चम्मच हरी चटनी, 2 चम्मच इमली की खट्टी मीठी चटनी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, मिर्ची आप अपने हिसाब से डालें, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी काला नमक भी डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अभी से ही मुँह में पानी आने लगी है, बहुत ही टेस्टी है। मिक्स कर लिया है, मुरमुरा ले लिया है 1 कटोरी, अब वो डाल देंगे। नमकीन ले लिया है, आपके पास जो है आप वो ले लीजिए, वो डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे, इस तरह से बना के खाएंगे तो मार्केट की भेलपूरी खाना भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी और चटपटी बनती है। आप 5 मिनट में इस भेलपूरी को बना के खा सकते हैं, बहुत ही आसान है और बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएगा, सब मांग मांग कर खाएंगे। होली पे ऑयली चीज़ खा खा कर बोर हो गई, कुछ चटपटा खाना हो तो इस तरह से भेलपूरी बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी है। मिक्स कर लिया है, थोड़ी सी ऊपर से चाट मसाला डालेंगे, थोड़ी सी हरा धनिया, मिक्स कर लेंगे। देखिए भेलपूरी हमारी बिल्कुल रेडी है, अब हम सर्व करेंगे। इस टाइम नमक मिर्ची को चेक कर सकते हैं, देखने में जितना सुंदर है खाने में उतना ही टेस्टी है। मेरी तरीक़े से बनाएंगे तो आप बाज़ार की भेलपूरी खाना भूल जाएंगे, बहुत ही मज़ेदार है, सब मांग मांग कर खाएंगे, ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए उम्मीद करती हूँ आपकी भेलपूरी की रेसिपी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नई हो और नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं, बाय।